हेलो क्लास, सो वी आर डिस्कसिंग हेयर अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज़ पर्पल रेवोल्यूशन. सो वॉट पर्पल रेवोल्यूशन इज़ एंड हाउ इट हैज़ इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास द होल पॉइंट अबाउट दिस पर्पल रेवोल्यूशन. सो हेयर यहाँ पे जो है आपको एक न्यूज़ देखने को मिली है दैट जम्मू पर्पल्स रेवोल्यूशन लेवेंडर ब्रिंग्स इन सेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर डोडा फार्मर्स. सो एक तरह से पर्पल रेवोल्यूशन जो है एक ऐसी रेवोल्यूशन स्टार्ट करी, एंड इट हैज़ बीन स्टार्ट थ्रू द अरोमा मिशन जो हुआ था 2016 में. सो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे पेस्ट करी हुई है पर्पल रेवोल्यूशन की. यहाँ पर लेवेंडर्स जो हैं उनको उगाया जाता है, जो एक तरह से जो शिफ्टिंग है मेज से वो लेवेंडर में शिफ्ट की गई है. और जितना भी जो फार्मर्स हैं अब ये क्या कर रहे हैं, मेज से शिफ्ट करके लेवेंडर ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज पर्पल रेवोल्यूशन, एंड वाई इट हैज़ बीन नोन एज पर्पल रेवोल्यूशन बिकॉज अराउंड 500 फार्मर्स इन डोडा में कम से कम भी 500 फार्मर्स ने अपनी जो इनकम है वो ट्रिपल करी है आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम मेज टू लेवेंडर कल्टिवेशन. तो मेज से लेवेंडर कल्टिवेशन में शिफ्ट करके इनकी जो इनकम है इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड आफ्टर दिस, एंड देयरफॉर इट इज़ बीन कॉल्ड पर्पल रेवोल्यूशन. ऑल्सो ये किसके अंडर जो है दिस हैज़ बीन यू नो सक्सेसफुली इनिशिएटेड, एंड दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली डन. सो इट हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू इनिशिएटिव टेकन अंडर अरोमा मिशन. सो नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव हुआ है. तो J&K के डोडा डिस्ट्रिक्ट में द इनकम हैज़ बीन क्वाड्रुपल्ड, एंड क्यों हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी जो शिफ्टिंग है कल्टिवेशन की वो मेज से लेवेंडर में शिफ्ट करी है, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज पर्पल रेवोल्यूशन. से पर्पल रेवोल्यूशन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज लेवेंडर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है. और ये अरोमा मिशन जो है, दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन अंडर अ मिशन नोन एज अरोमा मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में. सो रेवोल्यूशन हमने इसको इसीलिए बोला है क्योंकि बिकॉज लेवेंडर इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स, ठीक है. और ये आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है ये हेल्प करता है. देखो बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस होती है, जितने भी यहाँ पे गर्ल्स होंगे, ठीक है, उनको ये चीज़ पता होगी कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है. लेवेंडर ऑयल हम यूज़ करते हैं स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए लेवेंडर ऑयल हैज़ बीन इट इज़ यूज्ड, एंड बहुत ही कॉस्टली, मतलब नॉट वेरी चीप, एक कॉस्टली आता है लेवेंडर ऑयल. फ्रेग्रेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो लेवेंडर को डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. हाईली परफ्यूम्ड इसके एक परफ्यूम्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो इस तरह से जो है लेवेंडर, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. ऑल्सो जो लेवेंडर है इसको एक तरह से इसका जो मेडिटेरेनियन नेचर होता है, दैट मीन्स आप इसको कई ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो. एज आई सेड हाईली परफ्यूम्ड है, ठीक है. मोव कलर में होता है, सो MUVE मोव कलर में, मतलब हम इसको मोव भी बोलते हैं, ठीक है. और ये वाइट में भी होते हैं, लेवेंडर्स वाइट में भी होते हैं, मोव शेड में भी होते हैं, एंड पेरिनियल होते हैं. पेरिनियल मीन्स ये पूरे साल जो है आप इसको ग्रो कर सकते हो. मोस्टली ये ड्राई समर क्लाइमेट में जो है आप इसको पाए जाते हैं ये, ठीक है. So this was about lavender and why it is considered important, and that is why हम इसको purple revolution के नाम से जानते हैं, because यहाँ से जो है farmers की income बहुत बड़ी है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो first time farmers were given free saplings, तो पहली बारी farmers को free saplings दी गई थी, ठीक है. और जिन्होंने कल्टिवेट किया था लेवेंडर उनको चार्ज किया गया था 5-6 पर सैपलिंग. सो लेवेंडर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंटर ने हेल्प किया था अंडर अरोमा मिशन जो है
सेंटर ने काफ़ी हेल्प किया था, एंड द अरोमा मिशन वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016, ठीक है. एंड व्हाट वॉज द एम, द ओनली एम वॉज टू सपोर्ट डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रो इकोनॉमी. तो एक तरह से डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप को सपोर्ट करना, एंड यहाँ से ज़्यादा इनकम जो है हम जेनरेट कर पाएँ, सो दैट फार्मर्स को भी फ़ायदा हो, कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करे इस चीज़ से. ऑल्सो लेवेंडर जो है आपको देखने को मिलेगा, आप डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो, आप यहाँ से ऑयल्स के लिए यूज़ करते हो. लेवेंडर ऑयल स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है. लेवेंडर ऑयल से आपको एसेंस स्टिक्स मिलती हैं, तो एसेंस स्टिक्स जो हैं यहाँ से मिलती है, लेवेंडर वाटर से मिलती हैं, ठीक है. सो बेसिकली बहुत ही चीज़ों में जो है लेवेंडर यूज़ में आता है, एंड दैट इज़ वाई हम इसको पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी इट हैज़ बीन कॉल्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो आगे है हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लेवेंडर से ले सकते हैं. सो द मेन प्रोडक्ट इज एज आई ऑलरेडी सेड इज लेवेंडर ऑयल. लेवेंडर ऑयल इज़ द मेन प्रोडक्ट जो हम यहाँ से ले सकते हैं, और ये कम से कम भी लेवेंडर ऑयल सेल्स फॉर एटलीस्ट 10,000 पर लीटर्स. सो 10,000 रुपये का जो लेवेंडर ऑयल है, एक लीटर 10,000 रुपये का ये सेल होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ लेवेंडर वाटर. सी लेवेंडर वाटर जो है इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ठीक है. एंड यहाँ से जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस स्टिक्स. इंसेंस स्टिक्स बनाई जाती हैं फ्रॉम लेवेंडर वाटर, एंड इट सेपरेट्स फ्रॉम लेवेंडर ऑयल, ठीक है. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज हाइड्रोसोल. सो बेसिकली हाइड्रोसोल हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन. फ्लावर्स डिस्टिलेशन होती है, उसके बाद हाइड्रोसोल बनता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सोप्स एंड रूम फ्रेशनर्स. सो बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास लेवेंडर से हम लेके आते हैं. लेवेंडर ऑयल जो कि एक लीटर लेवेंडर ऑयल 10,000 रुपीज़ का ये सेल होता है. देन लेवेंडर वाटर विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम लेवेंडर ऑयल्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस स्टिक्स, ठीक है. एंड देन द लास्ट प्रोडक्ट इज़ हाइड्रोसोल. इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम फ्लावर्स. तो फ्लावर्स की डिस्टिलेशन होती है, देन हाइड्रोसोल इज़ फॉर्म्ड एंड इट इज़ यूज्ड किसके लिए यूज़ होता है, सोप्स और रूम फ्रेशनर्स बनाने के लिए यूज़ होता है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे हमारे पास वी हैव विच आर द मेन एजेंसीज इन्वॉल्व. सो द मेन एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं पूरे पर्पल रेवोल्यूशन में, अरोमा मिशन में, आपकी जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सो इट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR के नाम से बोलते हैं, ठीक है. एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम IIM के नाम से बोलते हैं, ठीक है. आई एम सो सॉरी. ओके, सो CSIR एंड IIM, ठीक है. तो बेसिकली IIM इज़ हेल्पिंग फार्मर्स, ठीक है. एंड इट इज़ अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इट इज़ सॉरी IIM जम्मू में भी है. सो इट इज़ हेल्पिंग फार्मर्स टू यू नो टू गेट मोर प्रोडक्ट्स, टू बाय मोर प्रोडक्ट्स एंड टू सेल मोर प्रोडक्ट्स. एंड CSIR जो कि सेंटर बेस्ड आपकी एजेंसी है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग फार्मर्स टू ग्रो मोर लेवेंडर एंड टू गेन मोर इकोनॉमी, ठीक है. सो दीज टू एजेंसीज जो हैं दे आर मेनली इन्वॉल्व, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्पल रेवोल्यूशन अंडर अरोमा मिशन, ठीक है. देन आगे बढ़ते हैं. वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस. सो सी अपार्ट फ्रॉम बींग इन सिंक विद गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, ताकि ये फार्मर्स की इनकम डबल कर पाएँ बाई 2022, लेवेंडर कल्टिवेशन जो है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट. सी घर घर में जो है फार्मर की इनकम तो डबल हो ही रही है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट. बट वेन वी लुक एट द अदर साइड, वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज वुमेन एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन. एंड हाउ इट कैन बी सीन, क्योंकि घर घर में जो है लेवेंडर आराम से इट कैन बी ग्रोन, इसको कुछ
ज़्यादा नीड नहीं है, नॉट मच केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर नीडेड टू ग्रो लैवेंडर, जस्ट अ बेसिक काउडंग इज इनफ. सो बेसिक काउडंग इज इनफ फॉर द ग्रोथ. ऑल्सो इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई एनिमल्स एंड मोर ओवर नॉट मच वाटर इज नीडेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैवेंडर. तभी दैट इज़ वाई जो है इसको घर घर में उगाया जा सकता है. ठीक है, एक बहुत ही ईजी टास्क है. और इससे क्या है, जो यहाँ की जो विमेन है, अगर घर घर में उगा रहे हैं तो विमेन को भी एक एम्प्लॉयमेंट रेट जो है उनका बढ़ रहा है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं. सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंस. अपार्ट फ्रॉम डबलिंग फार्मर इनकम, विमेन एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिली थी कि क्या क्या सिग्निफिकेंस हो रहा है फ्रॉम पर्पल रेवोल्यूशन. ठीक है, एंड अरोमा मिशन के बारे में आई टोल्ड यू कि अरोमा मिशन क्या है. ठीक है, अंडर पर्पल रेवोल्यूशन किसके अंडर आता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर पर्पल रेवोल्यूशन एंड पर्पल इकोनमी. टू नो मोर अबाउट अरोमा मिशन एंड हाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इन विच स्टेट्स जो है अब ये आगे जाके और इसको हम लेकर आ रहे हैं पर्पल रेवोल्यूशन को, अगर आपको ये चीज़ें और जाननी हैं, टू नो मोर अबाउट दिस, प्लीज़ मैंशन इन कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी get to know what you people want to see. And अगर आपको interesting लग रहा है ये video, so please let us know. Thank you. And आपको जो भी doubts हैं, जो भी आपके suggestions हैं, please mention in the comment section below. Thank you.